कानून का रखवाला बना गरीबों असहाय लोगों का रखवाला। जी हां, गंज वासोदा में लगातार प्रशासन के आदेश निर्देश के बाद नगर गंज वासोदा को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस बंद के चलते जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनकी समस्या को देखते हुए नगर सिटी थाना TI वीरेन झा ने मिसाल पेश की है। TI वीरेन झा को आपराधिक मामले में किसी अपराधी के लिए अपनी कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपराधियों पर हर तरह से नियंत्रण करते देखा गया है। लेकिन इस संकट की घड़ी में सिटी थाना TI द्वारा नगर में बेरोजगार बेसहा रिक्शा चालक बेरोजगार लोगों के लिए 400 पैकेट सुबह और शाम रोज खाना तैयार करवाकर जगह जगह भिजवाया जा रहा है और जिन लोगों के यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है उनको भी आटा दाल चावल सब्जी घर घर भेजी जा रही है। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 24 में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गरीब लोगों के लिए आलू प्याज शक्कर चाय की पत्ती मसाले देकर सभी से अपील की है कि आप लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। वहीं अन्नपूर्णा सेवा समिति लगातार अपनी सेवाओं में लगी हुई है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। जी, जनता कर्फ्यू के दौरान और उसके बाद अचानक लॉकडाउन होने से कई ऐसे परिवार जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते थे एवं जो लोग जिन अन्य चीज़ों के ऊपर आश्रित थे, जिनके पास भोजन व्यवस्था नहीं थी, तो स्थानीय थाना गंजवासोदा शहर के द्वारा उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई एवं उक्त भोजन जो पैकेट जो प्रदाय किए जा रहे हैं वो थाना परिसर में ही तैयार कराकर पुलिसकर्मियों के द्वारा ही उनको वितरित कराया जा रहा है एवं इनकी जो संख्या है जिनके पास में भोजन की उपलब्धता नहीं है उनकी जानकारी लेकर घर घर पहुँचाने का काम हमारी पुलिस कर रही है। हम सब दोस्तों ने एक संकल्प लिया था कि सारे समाज के सारे धर्मों के लोगों को जो परेशान हाल होंगे उनकी ज़रूरतों का सामान उनके घर घर तक मुहैया कराया जाएगा। इसमें हम सब दोस्तों ने पैसे जमा करके इकट्ठे करके सामान उनके घर घर पहुंचा रहे हैं। जी, ये आपदा जब तक चलेगी हम 8-8 दिन के अंदर सबके घर सामान पहुँचा रहे हैं जिसके लिए ज़रूरत है और इसकी कोशिश यही करते रहेंगे सबके घर में पहुँच जाए सामान, कोई समस्या किसी की तरह पैदा ना हो और सबका काम आसानी से चल जाए। हम महिला जन मिलन विद्यापुरम की वीरांगनाएं, आज जो कोरोना वायरस का जो आपदा पड़ी है तो उसमें जो गरीब लोग जो बिल्कुल रोज कमा रहे हैं रोज खा रहे हैं उनका कार्य नहीं चल पा रहा है तो उन भूखों के लिए खाना खिलाने के लिए हम लोग पैकेट तैयार करके दे रहे हैं और अभी हम जब तक ये आपदा आ रही है तब तक हम देते रहेंगे। करीब 100-150 पैकेट हम लोग रोज दे रहे हैं।